नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव, मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज हम आपके सामने एक नया लेसन लेकर प्रेजेंट हुए हैं। आज हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की सीरीज का ये आखिरी वीडियो है यहाँ तक। इसके बाद आपको सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने सेंटेंस को बहुत गहराई से आपको समझाया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो देखिए, सेंटेंस के टाइप्स और पार्ट में अंतर होता है। जैसे कि हम किसी सर्कल का टाइप्स कहें तो सर्कल के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल या बहुत सारे सर्कल। लेकिन हमने कहा कि किसी सर्कल का पार्ट करिए तो उसके पार्ट आप ऐसे करेंगे, है ना। लेकिन किसी सर्कल का पार्ट करने को अगर हम कहते हैं तो ये सर्कल है, इसका पार्ट ये होता है। और लेकिन टाइप्स की बात करें तो टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश में सेंटेंस में टाइप्स और पार्ट में अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे टाइप्स और पार्ट एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी का टाइप्स अलग अलग है और बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी टाइप्स और पार्ट में अंतर होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनको कैसे जोड़ा जाता है तो एक सेंटेंस फॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे, आपको कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोवाइड होती रहेगी। और मैंने इंग्लिश की सीरीज सिस्टमैटिक ग्रामर की शुरू की है, तो अगर आप भी ग्रामर सीखना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे ये वीडियो के साथ बने रहे, आपको ग्रामर जरूर सीखने को मिलेगी यहाँ पर। तो देखिए, सब पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के दो भाग होते हैं दोस्तों, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में तीन चीजें आती हैं, याद रखिएगा। सब्जेक्ट के अंदर तीन बातें आती हैं, पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, सॉरी दूसरा क्वालिफायर और तीसरा नाउन या प्रोनाउन। अब ये जो एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, डिटरमिनर के अंदर तीन बातें आती हैं, पहला आर्टिकल, दूसरा पजेसिव केस का एडजेक्टिव और तीसरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए, आर्टिकल आपको पता है क्या क्या होते हैं, ए, एन और द, ये आर्टिकल होते हैं और यही सब्जेक्ट में डिटरमिनर होते हैं। पजेसिव केस के एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, हिज, हर और अवर, इस तरह के जितने भी होते हैं ये पजेसिव केस के एडजेक्टिव होते हैं। और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में वन, टू, थ्री, लिटिल, ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। क्वालिफायर एडजेक्टिव को ही कहते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, फैट, गुड, ये सब हमारे क्वालिफायर हैं, ओल्ड, जो क्वालिफाई करते हैं किसी चीज को। और नाउन या प्रोनाउन बताने की जरूरत नहीं है, नाउन और प्रोनाउन आप अच्छे से जानते हैं। तो ये जब तीन बातें मिल जाती हैं या तीन में कोई एक बात मिल जाती है या तीन में कोई दो बात मिल जाती है तो ये सब्जेक्ट बनाता है। सब्जेक्ट हमारा इन्हीं तीन चीजों से बनता है। हो सकता है इसमें दो चीजें आ जाए, हो सकता है इसमें तीन चीजें आ जाए, हो सकता है केवल इसमें एक ही चीज आए, केवल नाउन ही आए या केवल प्रोनाउन ही आए। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट, देखिए प्रेडिकेट हमारा इन चीजों से बनता है। प्रेडिकेट के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब। मेन वर्ब देखिए पहचानने का तरीका है कि जिन शब्दों की हिंदी निकालने पर शब्दों के अंत में ना नीने आ जाए, जैसे खाना, पीना, हंसना, गाना, रोना, जाना, आना, बताना, समझाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना आदि, इनकी जो इंग्लिश है ये वर्ब होती है। मेन वर्ब पहचानने का यही एक तरीका अच्छा है। तो मेन वर्ब हमारी जैसे गो, कम, रीड और राइट, ये हमारी इस तरीके की वर्ब मेन वर्ब होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स, वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। जो जीवित वस्तुएं, जीवित लोग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद
आर्टिकल आपको पता ही है ए एन और द होता है, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स ये हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट हम लोग एडजेक्टिव को ही कहते हैं, एक प्रकार का एडजेक्टिव का फॉर्म कंप्लीमेंट कहलाता है। और नियरनेस वर्ड हमारे होते हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इस तरह के वर्ड जो हैं ये हमारे नियरनेस वर्ड होते हैं। तो ये तो दोस्तों प्रेडिकेट बनाते हैं, ये चीजें प्रेडिकेट बनाती हैं, ये चीजें सब्जेक्ट बनाती हैं। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में मिल जाता है तब एक सेंटेंस फॉर्म होता है, यानी कि हम सब्जेक्ट को सेंटेंस का सर कह सकते हैं और प्रेडिकेट को सेंटेंस का धड़ कह सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी दो पार्ट में बटी है, एक सर और दूसरा धड़, तो उसी तरह सेंटेंस भी दो पार्ट में होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तभी एक सेंटेंस फॉर्म होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर ये सारी बातें आती हैं। इसमें कुछ कम आ सकती हैं या कुछ ज्यादा आ सकती है या पूरी आ सकती हैं, लेकिन एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए ये इसके पार्ट्स हैं बॉडी के और इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इन्हें सीखना आपको बहुत जरूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस के बॉडी पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक सेंटेंस लेकर हम आपको डिफाइन करके सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए ग्रामर लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।